फ्रेंड्स, आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे ही होंगे और आप सबको धनतेरस की शुभकामनाएं। हैप्पी धनतेरस। और मेरे भैया के बच्चे आज आपको छोटी सी वीडियो में दिया बनाना सिखाएंगे, जो दिया आटे से बनता है और इसमें क्या क्या सामग्री चाहिए वो आगे जाके हम बताएंगे। उसके सामग्री बताओ। हमने आगे से आटे की लोई बना के रख दी है और आपके पास जो भी सुविधा है उसमें आटे की लोई को रख दे। आप पेंट ले सकते हैं, मैंने कुछ कलर्स लिए हैं, एक पेंट ब्रश, पेंसिल और इरेजर। अच्छा, कैसे शुरू करते हैं बताओ, सबको दिखाओ। सबसे पहले छोटी सी इसमें से कितनी बड़ी दिखा दो। हाय फ्रेंड्स, अब मैं दिखाऊंगी आपको जो हमने दिए बना लिए है उसको कलरिंग कर रही है मेरी भैया की बड़ी बेटी। अब देखिए कैसा लग रहा है। तो आपने किस तरह का दिए बनाया है जरा दिखाओ। ये देखिए, मैंने सिर्फ इसके बॉर्डर और अंदर ही सिर्फ रंग भरा है, पीछे नहीं भरा था सर, सुंदर लगेगा करके मैंने पीछे कुछ भी रंग नहीं दिया है। और बिना रंग वाले दिखाओ जैकलिन, ये आपने बनाया है? हाँ। अच्छा, और रंग भर रही है दीदी? अच्छा, बीच में हमने थोड़ा सा नेचुरल रंग भी दिया है। तो साइड में आप लोग क्या लगाओगे, कुछ और रंग लगाओगे ना, ऐसे ही फ्री छोड़ दोगे? फ्री छोड़ूंगी, मैं ज्यादा कलर नहीं करना चाहती क्योंकि मैंने बीच में थोड़े थोड़े जो आटे के बच गए थे, जो आटे उससे थोड़ा सा गोले बना लिए, मैं थोड़ा सा डिजाइन कर दूंगी इससे। अच्छा ठीक है, ये इको फ्रेंडली भी है। अच्छा अच्छा, हैंडमेड ना? हाँ। अब इसको सुखा रहे हो ना? हाँ। तो इसको सुखाने के लिए और कहाँ है आपके दिए? जो कलर्स हो गए लेके आओ, सूखने दो। उसके बाद आप डिजाइन करोगे ना? हाँ। जब सूख जाएंगे। हाँ। ये बहुत सुंदर होगा। और मेरी दीदी ने तो आपको बताया था कि ये इको फ्रेंडली भी होगा। ठीक है, हमें कोविड के लिए क्या करना है, इको फ्रेंडली रहना है। तो इको फ्रेंडली दिए जलाना चाहिए। हाँ। इसमें ज्यादा समय नहीं लगता। हाँ। चलो आगे हम देखिए, मैं और मेरी बहन
हाथ को भिगा रहे हैं और हाथ को क्यों भिगा रहे हैं? क्योंकि मॉइस्चर होने के लिए। हाँ, मॉइस्चर होने के लिए, क्योंकि दिए सूख गए हैं। अभी अगर मैं सीधा लगाऊ तो बैठेंगे नहीं, इसलिए थोड़ा सा हाथ को लाइटली भिगा कर अभी हम ऐसे चिपकाएंगे। ये देखिए, ऐसा करके हम ये छोटे छोटे में मैं सिर्फ एक एक दूंगी सामने में, बड़े वाले दिए में मैं चारों ओर देने वाली हूँ, क्योंकि ये मेन दिया है ना, इसीलिए आप थोड़ा सा अपने हाथ को भिगा के लोई को थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए, मतलब भिगा लीजिए। और अब देखिए, मैं ऐसा करके पूरा चारों दिग में करूँगी, चारों तरफ कर लोगे? हाँ। रंग के आगे कर देती तो इसमें भी पेंट हो जाता, इसलिए मैंने रंग करने के बाद इसको किया है। अच्छा, ठीक है। हाय फ्रेंड्स, आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और धनतेरस की शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली एंड सेफ दिवाली। और मैंने जो दिए जो बना लिए आपको सब, मैं बनाने के बाद ही आपको पूरे दिखा रही हूँ, आप देख लीजिए। इन्होंने दिए बना लिए, कंप्लीट हो गया है। आप सबको हैप्पी दिवाली बोलो। हैप्पी दिवाली, हैप्पी धनतेरस, और सेफ दिवाली। सेफ दिवाली।